नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं वी स्ट्रीट फिल्मी मनीष और आज हम रिव्यू करेंगे कुछ भीगे अल्फाज। कुछ भीगे अल्फाज को डायरेक्ट कर रहे हैं नेशनल अवार्ड विनर इंडी फिल्म मेकर ओनिर और इसमें लीड प्ले कर रहे हैं जैन खान, दुर्रानी जिनकी डेब्यू फिल्म है, और नेशनल अवार्ड विनर गीतांजलि थापा। फिल्म की कहानी सेट है ब्यूटीफुल सिटी कोलकाता में। गीतांजलि थापा आर्ची का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि एक सीरियल डेटर है, इंटरनेट पे मेम्स बनाती हैं और उन्हें लेट नाइट रेडियो शो सुनना पसंद है, जिसे होस्ट करते हैं आरजे अल्ताफ। जैन खान दुर्रानी आरजे अल्ताफ प्ले कर रहे हैं, जो कि सिटी में एक लोनर है और बिल्कुल भी सोशल नहीं है। फिल्म में कुछ ऐसा होता है कि एक रॉन्ग नंबर के थ्रू दोनों कनेक्ट होते हैं और फिर चल पड़ता है सिलसिला एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी का। अल्ताफ यानी जैन खान के कुछ लाइफ के डार्क सीक्रेट्स हैं जो कि फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फिल्म का बिल्डअप थोड़ा स्लो है, लेकिन यही इस फिल्म की खूबसूरती है। ओनिर जो कि एक हार्ड हिटिंग सिनेमा बनाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ब्रिलियंटली क्राफ्ट किया है इमोशंस को, डिजिटल एक रोमांस को। फिल्म में उनका एक टिपिकल डार्कनेस का टोन नज़र आता है। फिल्म में एक रोमांस का एक फ्लेवर है जिसे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बस फील किया जा सकता है। जैन खान दुर्रानी ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया है। गीतांजलि थापा जिन्होंने पहले भी नेशनल अवार्ड विन किया है लायंस डाइस के लिए, उन्होंने भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया है। कुछ भीगे अल्फाज को मैं रेट करता हूँ 3.5 स्टार्स। ये एक फ्रेश टेक है रोमांस पे, ब्रिलियंट म्यूजिक है, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। दिस वीकेंड इसे ज़रूर देखने चाहिए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट में बताइएगा, उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और ये लाल वाला जो बटन है सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा।